स्वागत है आप सभी का तुलुंग नोटरी में। आज शनिवार है और शनिवार को मैं देता हूँ आपको अपडेट गदवरी की, पम्पम वैरायटी की, कटिंग से लेकर उसकी रिपोर्टिंग तक, और मैंने इसमें कौन सा कीटनाशक का उपयोग किया, साथ ही मैंने कौन सा इसमें फर्टिलाइजर यूज किया और कितनी बार हम पिंचिंग कर चुके हैं। इन सब बातों का मैं आपको जानकारी देता हूँ और आज भी हम पिंचिंग ही करेंगे। इसे मिलाकर हमारी हो गई 9 बार पिंचिंग। अब करते हैं पिंचिंग शुरू। पहले हम ऊपर से ही पिंचिंग करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके नीचे को आएंगे। मैं न्यू शूट को ही पिंच करूंगा और मैं सारे प्लांटों को पिंच कर देता हूं। और ये पिंचिंग मैं अक्टूबर 31 तारीख तक करूँगा, उसके बाद इसकी पिंचिंग बंद हो जाएगी। फिर हम इसकी हाइट बढ़ने देंगे, पर ज़्यादा नहीं, इसे रखेंगे हम 1 फुट के करीब। जब इसमें फ्लावरिंग होगी तो अच्छा लगेगा, पर अभी टाइम है फ्लावरिंग के लिए। अभी तो हमें 1-2 काम और हैं जो करना ज़रूरी है। पहला काम ये होगा कि इस प्लांट को सपोर्ट देंगे, वो भी बांस के टुकड़ों से। सपोर्ट हम इसलिए देंगे कि जब इस प्लांट में फ्लावर लगेंगे तो उसका वेट ज़्यादा होगा, और गलती से हमने उसके ऊपर पानी डाला तो उसका वेट ज़्यादा होगा तो प्लांट वहीं से टूट जाएगा। इसीलिए हम प्लांट को सपोर्ट देने के लिए बांस की मदद देते हैं, और वो काम मैं इस हफ्ते या अगले हफ्ते करूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी बांस नहीं है। मेरी खेत में तो बहुत सारी बांस है, पर उसे काटने के लिए टाइम लगेगा, इसलिए मैं दशहरे के बाद ही काटूंगा। और दशहरे में भी काम होते हैं पर घर के। यूट्यूब के जितने भी हमारे दोस्त हैं उनको हैप्पी दशहरा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।